और अब बात कर लेते हैं लोहरदगा में चल रहे नक्सल ऑपरेशन की। तो लोहरदगा जिले में चल रहे नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में गोली के साथ इंसास राइफल, देसी पिस्टल बरामद किए गए हैं। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में पुलिस चला रही नक्सल विरोधी ऑपरेशन। एक महिला नक्सली समेत 9 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सल ऑपरेशन के दौरान 1600 राउंड गोलियां भी बरामद की गई हैं। चलिए हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए ये 8 फरवरी से जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ वो अब तक चलता रहा और आज जिस तरह से एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये सारी चीजें सामने आई कि कैसे इस सफलता की कहानी को लिखा गया। जवानों ने अपना उत्साह दिखाया, वो रुके नहीं कहीं भी। उन्हें इस डर से कि बीहड़ जंगल है, नक्सलियों का गढ़ है, वो लगातार आगे बढ़ते रहे और देखिए उसी की वजह से इतना लंबा ये ऑपरेशन चला। हालांकि ये कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन ओवरऑल ये सुरक्षा बलों की सफलता और सामने 9 नक्सली गिरफ्तार और भारी मात्रा में असलहे भी बरामद। देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरह से एक मेगा ऑपरेशन जो है इसे कहेंगे, तकरीबन 10 से 12 दिनों तक यह ऑपरेशन चला, नक्सल ऑपरेशन। ऐसे में कई चुनौतियां थी झारखंड पुलिस सीआरपीएफ के लिए और इन चुनौतियों को पार पाते हुए ना सिर्फ 9 नक्सलियों को जिंदा पकड़ा गया, इसमें कई इनामी नक्सली भी शामिल है, बल्कि इस मुठभेड़ में इनकाउंटर में एक नक्सली को भी मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं 10 लोगों को टारगेट किया गया जिसमें 9 पुलिस के गिरफ्त में है। इनसे पूछताछ के आधार पर कई इनपुट मिले और इसी इनपुट के आधार पर जब पुलिस ने अलग अलग जगहों पर जंगली इलाकों में सर्च अभियान चलाया तो सर्च अभियान के दौरान 16 राउंड जो अलग अलग गोलियां जो थी, चाहे वो इंसास की हो, AK-47 की हो या फिर पिस्टल की हो, तमाम जो गोलियां हैं ये बरामद किए गए। भारी मात्रा में जो नक्सलियों के साजो सामान है, कैश है, यह बरामद किया गया। तो ये काफी बताने के लिए काफी है कि ऐसे ऑपरेशन में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लोग मुस्तैदी से इस पूरे ऑपरेशन को चला रहे थे जिसमें किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हालांकि इस घटना के दौरान 3 बहादुर जवानों के पैर जो है आईईडी ब्लास्ट के होने की वजह से उड़ गए, उन्हें जख्मी होना पड़ा। उसके बाद में एयरलिफ्ट करते हुए रांची के मेडिकल हॉस्पिटल लाया गया जहां स्थिति क्या स्थिर है लेकिन इलाज चल रहा है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में 2-3 चीजें जो है वो झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से कही है कि एक तो एक सबसे बड़े ऑपरेशन के रूप में ये जाना जा रहा है क्योंकि इतने दिनों तक लगातार ऑपरेशन चलाना कोई चुनौती से कम नहीं होती। हर चुनौती को पार पाते हुए नक्सल पूरे जो क्षेत्र में फैले हुए थे, इतना नक्सलियों ने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करते हुए गांव से ग्रामीणों को भगा करके खुद ग्रामीण बन गए थे, लेकिन इसके बावजूद झारखंड पुलिस ने इन्हें चिन्हित करने का काम किया, सीआरपीएफ ने इन्हें चिन्हित करने का काम किया और फिर इसकी गिरफ्तारियां हुई है। साथ ही साथ ऐसे कई बंकर्स बरामद किए गए हैं, मिले हैं झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के कंबाइंड ऑपरेशन में जहां पर नक्सलियों के साजो सामान छिपाए हुए थे। ये खुद नक्सल ऑपरेशन के दौरान अक्सर इसी बंकर पर छिप करके, कुल मिलाकर ये जो कंबाइंड ऑपरेशन था ये उस जज्बे को सलाम करना होगा कि इतना लंबा ये ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन में ये कामयाबी हासिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए लोहरदगा के बुलबुल जंगल में लगातार ऑपरेशन चल रहा था और उसके बाद सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।